जय तो भारतम। साथियों नमस्कार। एक मुलाकात के तहत आज हमारे साथ हैं हास्य व्यंग्य के सुप्रसिद्ध कवि मनजीत सिंह जी। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत नमस्कार सुनने वालों को, देखने वालों को। तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं। ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी छिड़कती थी, देती मीठी गालियां, दाल और सब्जी बनाता अब रोज वही, रोज चमकाता बैठ चम्मच और थालियां। ये रूबिया सईद का जो प्रकरण हुआ था तो उसमें मेरी पंक्तियां थी कि कह दो आंखें टक से जाकर बुलबुल कोई फंसा ले। मतलब 5 आतंकवादी छोड़े थे उन्होंने, तो उसमें थी कि कह दो आंखें टक से जाकर बुलबुल कोई फंसा ले, और चिड़िया की खातिर छोड़े हैं 5 नाग ये काले। नाग पिटारी से छूटे हैं मंदिर ना जाएंगे, नाग पिटारी से छूटे हैं मंदिर ना जाएंगे, महादेव शिव की गर्दन पर नृत्य न दिखलाएंगे और फन फैलाकर शिव भक्तों को चुन चुन कर काटेंगे। ये रूपक सा बन गया, मतलब पूरा एक उपमा की बजाय रूपक है पूरे उसमें, कि फन फैलाकर शिव भक्तों को चुन चुन कर काटेंगे और पाकिस्तानी संपोलों में जहर स्वयं बांटेंगे। हो सकता एक नाग निगल ले कई मोर मतवाले, चिड़िया की खातिर छोड़े हैं 5 लाख एक। ऐसे ही पंजाब समस्या के कारण थे, कई कारण थे पंजाब समस्या के, भाषा की समस्या का मामला था, अकालियों का मामला था, फिर जो हैंडलिंग थी उस समय की सरकार की उसका मामला था। तो वो हुआ क्या कि मैंने वो कविता मैं पढ़ा करता था, उसमें भिंडरवाला के ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंडरवाला के खिलाफ भी लाइनें थी और तमाम थी, और एक स्टैंजा जो था वो राजीव गांधी के खिलाफ भी था। तो और जैमनी हरियाणवी जी के साथ एक यात्रा से मैं लौट रहा था, तो बोले बाकी तो भाई सब ठीक है, तेरी कविता ये तो राजीव गांधी वाला जो स्टैंजा है ये निकाल दे। मैं कह रही ऐसा है, इस समस्या के जो जिम्मेवार हैं सबका जिक्र है उसमें, भाषा का जिक्र है, भाई आप जो है पंजाबी हैं वहां तो हिंदी भाषा क्यों लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। फिर वहां जो सिखिज्म की बात है कि भाई हिंदू और सिख जो है वो सारे एक ही तो हैं, कोई अलग धर्म थोड़ी है कोई, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सारी चीजें। पर अकालियों का, फिर जो सरकारों का, तो मैंने कहा जी ये निकालूंगा, उस दिन कविता पढ़नी बंद कर दूंगा। मैं आपको सुनाता हूँ, वो कोई इररेलीवेंट नहीं, दो स्टैंडर्ड सुनाता हूँ उसके। एक जी तो वो जी मैंने जी जो स्वागत ऑपरेशन ब्लू स्वागत स्टार के बारे में लिखा, अंतर देखे देखिए कि उसमें सिंबल देखे कि पहले ही सुई चुभो देते ऑपरेशन करना ना पड़ता, पहले ही सुई चुभो देते ऑपरेशन करना ना पड़ता, निर्मल जल शुद्ध सरोवर का गंदी लाशों से न सड़ता, और भिंडरवाला और चेलों को जो पहले सबक सिखा देते निर्दोषों और बेचारों को, यूं आग में जलना ना पड़ता बस हाथ सेकने की खातिर। वहां की उस समय की राजनीति की स्थिति थी कि बस हाथ सेकने की खातिर अपना घर आप जलाया है, कुछ लोगों की पशुता ने ही गलियों में रक्त बहाया है, सत्ता संघर्ष की फुंसी को तुमने नासूर बनाया है। और जिस स्टैंजा को हटाने के लिए वो कह रहे थे वो सुनिए क्या था, कि जी लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर तुमने ये गद्दी पाई है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर तुमने ये गद्दी पाई है, निर्दोष प्रजा को मरवा दे वह राजा नहीं कसाई है। और बापू तो पेड़ था बरगद का, एक बात कही गई थी राजीव गांधी के बारे में जिससे सबसे ज्यादा कष्ट दिया, उन्होंने कहा साहब जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थरथरा उठती है। इंदिरा जी गांधी जी की हत्या को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए शब्द किए गए, वो बड़ा घृणित कार्य था। और कोई अंगरक्षक जो है, जो जिनकी जिम्मेवारी आपकी सुरक्षा करने की है तो वो करें तो वो और पाप है। कहते हैं साहब किसी ने बलात्कार किया तो वो महापाप है, लेकिन जो उसका संरक्षक है वो करे तो वो तो फांसी भी कम है। तो इसलिए वो जो था मामला, तो मैंने उसमें लिखा कि साहब लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर तुमने ये गद्दी पाई है, निर्दोष प्रजा को मरवा दे वह राजा नहीं कसाई है, और बापू तो पेड़ था बरगद का जब गिरा तो धरती रोई थी, बापू तो पेड़ था बरगद का जब गिरा तो धरती रोई थी,
फिर तुलसी के गिर जाने से क्यों चीखी और चिल्लाई है, और तेरी बेहूदी उपमा ने सबको आघात लगाया है। कुछ लोगों की पशुताने ही गलियों में रक्त बहाया है, कुछ लोगों की। जी तो ये बहुत पहला दौर बहुत था जिसमें मैं ऐसी कविताएं लिखा करता था। उसके बाद फिर मेरा व्यंग लेख भी तैयार हो गया, तो फिर वो मैंने हरियाणा साहित्य अकादमी को भेजा, वो तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपए का अनुदान दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरी प्रतिष्ठा मंच से भी हो गई थी, वैसे भी हो गई थी। फिर डायमंड बुक्स ने जो है वो मेरी किताब निकाली रॉन्ग नंबर, तो वो खूब बिकी। और उसके बाद जी फिर एक किताब और जो है मेरा एक प्रयोग था, तो ये क्या है कि जो ये पंचतंत्र की कहानियां हैं, तो मैंने वो पंचतंत्र की कहानियों को लिया और ये लिया कि अगर वो चरित्र जो है आज के जमाने में होते तो कैसे बिहेव करते। मतलब घटनाक्रम वही है लेकिन वो चरित्र उसके बदल गए। तो जैसे देखिए क्या है, क्या आपने कहानी सुनी होगी कि भाई वो एक ब्राह्मण को बकरा मिला दान में, वो लेके चला तो ठगों ने कुत्ता है कहकर उसे लूट लिया। अब ये कहानी है। अब आज के जमाने में कहानी लाओ तो क्या है कि ठगों ने ब्राह्मण को लूटने की योजना अपने एक पुलिस वाले मित्र को बताई। पुरानी कहानी वही है, और इसमें जुड़ता क्या है आगे कि ठगों ने ब्राह्मण को लूटने की योजना अपने पुलिस वाले मित्र को बताई, तो उसने उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई। तो बोला इतने काम के लिए इतनी बड़ी योजना बना रहे हो। और बैलगाड़ी के जमाने में, जट के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, इतने छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी योजना बना रहे हो। मेरे डंडा लहरा के इस बकरे को कुत्ता कहने भर से ही ब्राह्मण मुझसे सहमति जताने लगता कि मेरे डंडा लहरा के बकरे को कुत्ता कहने भर से ही ब्राह्मण मुझसे सहमति जताने लगेगा, और मैंने दो डंडे ब्राह्मण पर धर दिए तो ये खुद को भी कुत्ता बताने लगेगा। तो ये पुलिस का जी आतंक है, तो उस पर ये मतलब जो है व्यंग करती हुई रचना। तो ऐसी वो कई 25-30 कहानियां हैं जिस पर मैंने ये बनाई। फिर तो उसके बाद जो है एक मेरी व्यंग लेख था जो कि गृह शोभा में छपा। उस गृह शोभा वालों ने पारिश्रमिक ज्यादा दिया, लेकिन वो 6 महीने बाद छपी अप्रूव होने के बाद में। तो वो था उफ ये कम उम्र आंटियां, वो एक मेरा व्यंग लेख था, उसको मैंने रख के उस किताब का नाम रखा उफ ये कम उम्र आंटियां। फिर एक किताब छपी बच के रहना, जो इंद्रप्रस्थ प्रकाशन वाले हमारे, उन्होंने मेरी पहली किताब छापी थी। उन्होंने कहा मुझे भी हमें किताब आप भूल गए, तो मैंने कहा भी आप छापो। और फिर अगली भी जो है नेताजी का पेट, वो भी उन्होंने छापी। तो ये किताबों की यात्रा रही। जी, तो बतौर साहित्यकार कितना सफल खुद को मानते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य रहते हैं। इसी तरह से किसी भी लेखक या साहित्यकार के दिमाग में भी कुछ ऐसा रहता है, तो आप कितना सफल खुद को पा रहे हैं? ऐसा है, बात यह है कि मैंने कोई लिखने के लिए नहीं लिखा। कई लोग ये होते हैं कि सुबह साहब एक आप नाश्ते पे कविता लिख लेंगे, अखबार पढ़ी, फिर दोपहर में एक कविता उनकी हो गई, शाम को हो गई। ऐसा कुछ नहीं रहा। अपने तो ये है कि भाई लिखी, जब मन किया लिखी, या जब ऊपर से आदेश हुआ तो लिखी। कई बार ऐसा होता है कि आपको रोक नहीं सकते आपको कविता लिखने को। मेरे पास एक बार एक विचार आया कि मैंने उसमें लिखा कि है जलती आग सीने में, नहीं डरता सिकंदर से। भाई आजकल के जमाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई दिक्कत क्या है लोगों को, वो दिक्कत ये है कि जब रात के 2 बजे अगर बच्ची आपकी, जैसे लड़का आपका 2 बजे घूम के आ गया, किसी से कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, तो जिस दिन आपकी बच्ची जो है 2 बजे सुरक्षित घर आराम से आ जाए, आपको चिंता ना रहे, तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तो बेटियां जो है प्रतिभाशाली होती हैं। तो मैंने वो कविता कि है जलती आग सीने में, नहीं डरता सिकंदर से, मगर हूं बाप बेटी का, डरा रहता हूं अंदर से। बहुत बढ़िया, अब बहुत ये बढ़िया। ऊपर से आई तो मुझे मुझे लगा दिनेश जी कि ये तो जिसके भाई जो पीछे काफिया वगैरह है, रदीफ वगैरह की बीमारी है, ये तो अब बंदर सिकंदर कहाँ ढूंढूंगा मैं। भाई ये जो है जलती आग सीने में, नहीं डरता सिकंदर से, तो सिकंदर के क्या बंदर कलंदर
मंदिर ऐसे कुछ होंगे। अब 5 7 8 तो आपको शब्द याद आते हैं जो बाद में लग सके। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर मैंने उसको पलट के लिखने की कोशिश की। कहते हैं ना कि नहीं डरता सिकंदर से है जलती आग सीने में, ऐसे कर दो कि नहीं जी डरता सिकंदर से है जलती आग सीने में। तो फिर वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा छोड़ो यार, रहने दो, जरूरी थोड़ी है भाई, जरूरी थोड़ी लिखना। मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो क्या था कि अंदर से ऊपर से कुछ आ रहा था। कई कविताएं होती हैं जो ऊपर से आती हैं, आमद होती है परमात्मा की। उसने मुझे बैठने नहीं दिया और वो जी कविता लिखी गई, और कहीं एक आधी कटिंग हो गई सिर्फ। और वो बड़ी मतलब से पानी चलता है ना, प्रवाह होता है, प्रवाह में ही रचना थी। तो उसमें आप मेरे इसलिए रहा कि मैंने कभी कुछ बनने की कोशिश नहीं की। आप क्या हैं इसका आकलन तो लोग करेंगे, अगर हम खुद तय करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। और खुद बनने से कोई बनता थोड़ी आता, प्रकृति ने जो आपको बनाना है। हाँ ये है कि आप भाई सक्रिय रहें, आप लगे रहें, तो आपको जो इससे भूमिका दी है परमात्मा ने वो आप पूरी करते हैं। जी हिंदी के जितने भी कवि हैं उनमें सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं मैंने की हैं। कवियों के नाम बड़े होंगे मेरे से, उनकी पेमेंट्स बड़ी होंगी, लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा काव्य यात्राएं जो है, विदेश यात्राएं, वो मैंने की हैं। और उनमें सरकारी यात्रा एक भी नहीं है, क्योंकि जी सरकारी यात्रा के जाने में कई कारण होते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाने वाले लोग जो हैं वो जरूरी नहीं साहित्यकार हों, वो अप्रोचकार हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो साहित्यकार ही हों। तो हम आज तक एक बार भी नहीं गए, किसी ने नाम नहीं दिया, हमने किसी को कहा नहीं कि हमें भेजो भाई, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप ही रास्ते खोले रखे प्रकृति। अभी एक प्रश्न पिछले काफी समय से मेरे मन में घूम रहा था कि जिस तरह से युवाओं में एक ललक है विदेश की, और आप विदेश में इतना घूम चुके हैं, तो भारत को और जो विदेशी संस्कृति है, मतलब किस तरह से आप देखते हैं? हालांकि गैर साहित्यिक प्रश्न है, पर नहीं, यहाँ ये अच्छा प्रासंगिक प्रश्न जरूर है, ये अच्छा प्रश्न है। इस माध्यम से जो भी सुन रहा होगा उसको समझ आ जाएगी। है क्या कि देखिए, अगर आदमी है बहुत ही टैलेंटेड और उसको यहाँ उसके टैलेंट के माध्यम से, मान लो को वैज्ञानिक है, उसको लैब या व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है तो वो जाके काम कर रहा है, तो समझ आती है। या कोई यहीं से को बहुत बड़े पैकेज में गया तब भी समझ में आता है। ज्यादातर लोग जो हैं वहां जाके अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और अंदर से जैसे होता है ना, वो नाक कटने के बाद भगवान की बात करते हैं कि भगवान, सब कहते हैं भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जो 80 के दशक में चले गए लोग वो तो वहां वेल प्लेस्ड है, जो आज जा रहे हैं वो वहां संघर्ष कर रहे हैं और कुछ नहीं। जहाँ के कमाई है तो खर्चे भी हैं पूरे के पूरे। वहां जाने का तो सिर्फ इतना मामला है कि आप 5 7 साल तक हुआ कमा के लौट आओ। जैसे अंग्रेज आया करते थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, 10 साल आए, अब ये वातावरण उनको सूट थोड़ी करता था भाई, कहीं मच्छर हैं, कहीं मक्खियां हैं, कहीं गर्मी है, कभी बारिश है, कभी सर्दी का मौसम उनको सूट करता, तो वो थोड़े समय के लिए रहता था। वो सबकी पोस्टिंग शिमला में थोड़ी होती थी, बंगाल के अंदर है, बिहार के अंदर है, तो परेशान होते थे वो लोग। आज स्थितियां फर्क हुई होंगी, लेकिन उस जमाने में तो क्या खराब हालत होती होगी। तो वो लोग आते थे, लेकिन फिर यहाँ से वो पैसा कमा के तनख्वाहें ज्यादा लेके जाते थे, और वो बचा के यहाँ है कि अब जाए 10 1 साल के लिए होके आए फिर लौट के आए। मुझे तो याद है जब मैं पहली बार वीजा में लगा ना लाइन में अमेरिका के में, तो एक भिवानी साइड का लड़का था, अपनी पत्नी के साथ लगा हुआ था लाइन में, वो देश की बुराई कर रहा था। अच्छा, मुझे कोई इससे फर्क पड़ नहीं रहा था कि मेरे को वीजा मिले ना मिले, मेरा तो कुछ स्टेक पे था नहीं। मिल जाएगा चले जाएंगे, नहीं चलेगा तो बड़े बैठे ही, दिक्कत क्या है भाई, 2 4 देश घूम ही चुके थे तब तक। देश ने क्या दिया हमें, देश ने क्या दिया। मैं कहा बात सुन, इधर उस प्राइमरी स्कूल के गांव ने, जिसमें प्राइमरी स्कूल था, उसने तेरी औकात इस लायक बनाई कि तू हाई स्कूल में पढ़ सके, और उस हाई स्कूल से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तेरा एडमिशन इस देश के उस स्कूल ने कराया था। मैं कहा फालतू बातें करने का कोई फायदा है, तू इस लाइन में खड़ा है ना, इस देश की वजह से खड़ा है, फालतू की औकात करने की बात नहीं है। बोला आप किस लिए जा रहा हूं? ना मैं तो अमेरिका वालों को लूटने जा रहा हूँ। बोले जी क्या मतलब? मैं कहा मैं जाऊंगा वहां से डॉलर कमा के लाऊंगा, वो हमारे देश की विदेश मुद्रा में बढ़ेंगे। नहीं आएगा ना, से ही मेरे क्या फर्क पड़ रहा है। तो वहां का जो मतलब जो आदमी को आकर्षण है वो फालतू है। आदमी जो है यहाँ
जो 2 लाख रुपए कमाने वाला है 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला दोनों कर रख ले घर में, और वहां जो है खुद ही धक्के खाने पड़ते हैं, खुद ही लगे रहते हैं। यहाँ लोग बाग जो है, वहां मैंने अमेरिका में गया हूँ तो मैंने सतीश गुप्ता हमारे सोनीपत के एक है, या तो उनके घर नौकर देखा, ठीक है, वो स्टील का है उनका, डेलस में काम, और या डॉक्टर सेठी है, उनका संयुक्त परिवार है और बहुत बड़ा उनका कई एकड़ में वो बंगला है, तो वहां तिब्बत के मियाँ बीवी जो है उनके यहाँ नौकर जो है रखे देखे, बाकी मैंने किसी के नौकर नहीं देखा। हफ्ते में आके कोई सफाई कर जाए, हफ्ते में आके लॉन की कोई काट जाए घास, वो अलग बात है, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं देखी कि वो एक नौकर जो है अपने घर में परमानेंट रख सके सिर्फ 2 लोगों के अलावा। जी सिंह साहब, कभी ना कभी इसके ऊपर कुछ लिखा तो होगा। नहीं, वैसे मजे लेते रहते हैं तो बातचीत में ही चीजों के मजे ले लिए जाते हैं वैसे तो। अच्छा घटनाएं होती है, अब घटना अच्छी होगी लेकिन कविता तो उसकी नहीं लिखी जा सकती ना, कविता के लिए अलग तरह का अंदर आना जरूरी है। अब मैं एक बार, हमारे मित्र अश्विनी बख्शी, हम लास वेगस ले गए, हमें तो लास वेगस ले गए, पहले हम ग्रैंड कैनियन गए, वो फिनिक्स में रहते हैं, तो ग्रैंड कैनियन गए तो 2 घरों में थे, तो एक घर से परांठे बन के आए, एक से पूरी और जो छोले हैं वो बन के आए, तो परांठे हमने खाए, अगले दिन खाए, तो वो उसके बाद जो है बोले यार ये तो पूरियां जो है ना ठंडी हो गई हैं, जम गई हैं। और लास वेगस में खास चीज ये कि अमेरिका के अंदर पूरे के अंदर जो है अगर आप किसी भी होटल में जाओ तो वो आपको माइक्रोवेव मिलेगा और फ्रिज मिलेगा, लेकिन वहां क्या है कि फ्रिज तो था, माइक्रोवेव नहीं थे। वो क्या, तुम जुआ खेलने के लिए आए हो भाई यहाँ? वो तो शहर, वो सिटी ऑफ सिन कहलाता है, तो जुआ खेलने के लिए आए तो यहाँ तुम क्या रोटियां खाओगे, अपने जुआ खेल लो। तो फ्रिज तो था, तो वो बोले यार क्या करें, मैं कहा भाई साहब बात ये है, पूरी तो मैं गर्म कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली मंदिर था 25 मील के दूर पे, बोले वहां जाके गर्म करके खाएं तो इतनी आना जाना हो जाएगा, मगर ये पूरी तो गर्म मैं कर दूंगा, तो बोला सब्जी की ठंड में मार दूंगा। मगर ये कैसे, बोला मेरा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जिपर में वो सब्जी डाली और वॉश बेसिन में गर्म पानी करके, गर्म पानी वाला खोला और वो ब्लॉक करके और वहां वो डाल दी, तो वो जिपर में वो जो ठंडी ठंड थी ना उसकी वो खत्म हो गई और वो मतलब स्वाता स्वाता सा हो गया। बोला अब तुम गर्म करो, मैं कर लो अभी, मैंने प्रेस जो है वो गर्म की, कपड़े पास करने वाली, और नीचे वो फॉइल लगाई और बकायदा अपने पूरी पे रख के, और पूरी गर्म फर्स्ट क्लास, इतनी गर्म के पूछो मत, क्योंकि जी मैं चुटकुला सुनाया करता था अक्सर, मुझे उससे ध्यान आया, मैं चुटकुला सुनाया करता था कि भाई देखो ऐसा है, हर महिला जो है वो चाहती है कि जो पापड़ सेके तो पापड़ ना तो कच्चा रहना चाहिए और ना जले। तो मैं सभी महिलाओं को फार्मूला बताता हूँ, उसका तरीका है कि ना पापड़ जलेगा और ना जो है वो कच्चा रहेगा, आप प्रेस करें। तो ये चुटकुला मैं सुनाया करता था लोगों को अक्सर, तो वो मेरे को क्लिक किया कि भाई ये तो उससे हो जाएगी पूरी उसकी। हालांकि हमने फिर तौलिए बोली से उसको साफ भी कर दिया, कहीं अगला तो दूसरा गेस्ट आए तो बेचारा कपड़े अपने प्रेस करे तो उसको पूरी उनका तेल लगे, तो ये हमने उसको धो धा के अच्छी तरह से साफ। जी, ये घटनाएं चलती रहती हैं जीवन में, और कविताएं तो जो है अलग विभिन्न विषयों पे, कहीं जो है किसी को कोई बुरी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, जिसको आप व्यंग करो तो वो पार्टी के लोग जो है आपके तो लगेंगे साहब ये गलत कर दिया आपने, अच्छा कर दिया, सब है और सब चलती है, सब अच्छी है। नहीं बिल्कुल सही बात है, पर साहित्यकार का काम है सच्चाई कहना। साहित्य समाज का दर्पण है और हमारा काम वही है। हाँ तो वो कहा जाता है, वो कहते हैं, और बस जरा यही है कि भाई वो एक जॉन ड्राइडन ने कहा था कि भाई अगर आप जो है वो पत्थर मारो ना तो उसको जो है रेशम के अंदर, मखमल के अंदर लपेट के मारो, ताकि अगले को दर्द भी हो तो पता ना लगे, और वो ये ना कहे कि पत्थर मारा है। तो ये हरियाणा साहित्य अकादमी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे ये मेरी, क्योंकि मेरा सरकारी पुरस्कार यही है, क्योंकि मैंने सरकारी अलाउ मतलब अप्लाई ही किया है पहली बार जीवन में, और किताबें भी मेरी अपने आप ही छपी, सिर्फ एक किताब मैंने हरियाणा साहित्य अकादमी के अनुदान से छपाई, क्योंकि छाप देते हैं तो फिर क्यों, जो और नई पीढ़ी के और लोग हैं जिनकी नहीं छपती हैं तो वो अपने बेचारे पैसे दे के छपवाए, हमारे तो वो फ्री में छाप देते हैं और हमें किताबें भी देते हैं, रॉयल्टी भी देते हैं, तो उनको मौका दें, इसलिए हम कभी वो उसके लिए अनुदान की
मांग नहीं करते, और ये भी उन्होंने सम्मान दिया है, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी अब पता लग गया तो आगे भी अप्लाई कर लूंगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है सिंह साहब, जो जी आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ वो तो ठीक है। मेरा एक प्रश्न है कि साहित्य को आप वरदान मानते हैं या मेहनत से किया जाने वाला कार्य? तो आपकी बातों से मुझे लगा कि आप वरदान मानते हैं, पर जो लोग ये मानते हैं कि मेहनत से साहित्यकार बन सकते हैं, उनके लिए क्या तो कहेंगे? सरस्वती की कृपा होती है, मां सरस्वती की जिस पर कृपा होती है वो वही जिसको वो नवाजता है ना, ऊपर वाला जिस पर आती है, तो वही है। अब उसके लिए कबीर कहाँ पढ़े थे, नानक जी ने कितना को पढ़ लिया था। तो ये सब जो है कविता जो है वो ऊपर से आती है आदमी के पास। ये माल बेचने वाला काम है ना जो मंचों पे करते हैं, जो मदारी बना, वो अलग है। कविता तो वहीं से आती है और वो वरदान है, कविता तो वरदान है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और ये खुद तो जो भी आप घड़े घड़ लो, छोटे मोटे इधर उधर के तुकबंदियां कर लो, वो कविता नहीं है। कविता तो वही है जो वहां से आती है और वो आपको भिगो जाती है, आपको पता लगता है कि हाँ भाई कुछ आया है ना। कविता तो वही है। आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन कौन? मेरे कबीर, दिनकर, क्योंकि तो दिनकर जी को मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। दिनकर जी एक तरफ उर्वशी लिखते हैं जो कि घोर श्रृंगार का काव्य है, और दूसरी तरफ जो है वो उनका वो उनकी परशुराम की प्रतीक्षा देख लीजिए, कुरुक्षेत्र देख लीजिए, और कबीर ने जो लिखा, नानक ने लिखा, और जो ये बड़े लोग हैं तो भाई ये सूफी सन्यासी लोग हैं, ये तो इनको तो परमात्मा इनके दिल तक पहुंचा, दिमाग नहीं पहुंचा, दिमाग के माध्यम से दिल तक पहुंचा और उन्होंने के मुंह से निकला, और उनके मुंह से निकली हुई वाणी हम जो है आज जो है तो वो सुनते हैं पढ़ते हैं। जी, सिंह साहब कुछ सुनाना चाहेंगे वर्तमान को देख करके, कोई हास्य व्यंग या कोई प्रेरणात्मक बात? नहीं, मैं आपको एक घनाक्षरी सुना देता हूँ। इसके कोरोना की, कोरोना से पहले क्या स्थिति थी और कोरोना के बाद लॉकडाउन में क्या स्थिति रही वो देखिएगा। जी, स्वागत। हाँ, क्योंकि उसमें था कि कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी झिड़कती थी, देती मीठी गालियां। कोरोना से पहले पति रसोई में घुसता तो पत्नी झिड़कती थी, देती मीठी गालियां। दाल और सब्जी बनाता अब रोज वही, रोज चमकाता बैठ चम्मच और थालियां। घूंघट नकाब बुरके को जो कोसते थे, घूंघट नकाब बुरके को जो कोसते थे, मास्क पहनो तो बजाते वे ही अब तालियां। और कोविड की औलाद, कोविड हमारे हरियाणा में खासकर, ये कोविड की औलाद साले कोरोना के बीज पैदा हो गई हैं अब नई नई गालियां, पैदा हो गई हैं अब। ये कई है इसमें छंद, और मैं आपको एक वो सुनाता हूँ जो मैं, मेरे लिए ये जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, मतलब क्या है कि अलग अलग कवियों ने नारी के बारे में बहुत कुछ कहा। अबला जीवन तेरी यही कहानी, कुछ और कहा प्रसाद जी ने, कहा मुक्त करो नारी को युग युग की कारा से बंधनी नारी को। मैंने दृष्टिकोण ये रखा कि जब तक नारी अपने लिए खुद द्वार नहीं खोलती तब तक वो सफल नहीं हो सकती। तो उसकी एक पंक्ति देखिए आप, दो पंक्तियां, क्या अधरों के ताले तोड़ोगी मुस्का के तब गा पाओगी। यह आह्वान की कविता है, जी, नारी जागरण की कविता है कि अधरों के ताले तोड़ोगी मुस्का के तब गा पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी केवल अबला कहलाओगी। और आपको इसका एक स्टैंजा सुना देता हूं कि उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था, मैं छोटा होता था। धर्मराज युधिष्ठिर मतलब सच्चाई का प्रतीक। अब बाद में बता रहा जुआरी है तो अपनी घरवाली को जो दाव पे लगा दिया इसने, मतलब हमारे हमने मॉडल वो बनाए जो ऐसे लोग थे, ऐसे लोग युधिष्ठिर जैसे लोगों को हमने धर्मराज कहा। द्रोणाचार्य के नाम पे आज पुरस्कार मिलता है इस देश में, वो द्रोणाचार्य है जिसने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया ताकि वो जिसकी ट्यूशन कर रहा है उससे, उसको जो मिल रहा है उससे उसका सम्मान बढ़ता रहे, वो
उस बेचारे गरीब भील का, जिसने सिर्फ इतना दोष था उसका कि उसने जो है उनकी मूर्ति बना के उसके सामने सीखा, तो उसको उल्टा जो साधनहीन है उसको आपने, उसको और बड़ा बनाना था, आपने उसका अंगूठा कटवा दिया। तो ये ऐसे हम अपने मतलब जो है प्रेरणा पुरुष बनाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार उसके नाम से मिलता है, युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं, इसलिए हमारा ये नाश होता है इस देश के अंदर, और तो क्या है। तो सुनिएगा आप, कि उस धर्मराज ने ही तुमको जुए पर दाव लगाया था, दुशासन ने पल्लू खींचा, पतियों ने शीश झुकाया था, और युधिष्ठिर को अगर उसी रोज, युधिष्ठिर को अगर उसी रोज तुम मौत की नींद सुला देती, औरत सौदे की चीज नहीं, संसार को सबक सिखा देती, और अब वस्त्र विहीना होकर भी, अब वस्त्र विहीना होकर भी तुम कृष्ण बुलाना पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला कहलाओगी, अधरों के ताले तोड़ोगी, मुस्का के तब गा पाओगी, हाथों को बांधे रखोगी, केवल अबला। जी बहुत बढ़िया। अब सिंह साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न है कि जी जिस तरह का माहौल अब है, तो उस दृष्टि में, क्योंकि जो जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, अब इन परिस्थितियों में साहित्य को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो परिस्थितियां होती हैं उसी के हिसाब से होता है। आपने कहा साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, दर्पण दिखाना सच्चाई का काम होता है, दर्पण दिखाने वाले लोग जो हैं वो उनको बुरा भला कहा ही जाता है, ठीक है। लेकिन किसी ने ये भी कहा हुआ है, टेल द ट्रूथ एंड रन, सच बोलो और भाग लो, साला कोई कुछ कर नहीं पाएगा तुम्हारा। तो साहित्यकार का काम तो यही होता है कि वो जोड़ने का काम करे। समाज में आज क्या है, बहुत तोड़ने वाली चीजें बन रही हैं। समाज में कोई सरकार कुछ अच्छा करती है तो वो दूसरों ने उसकी बुराई करनी ही करनी है, विपक्ष जो है उसने बुराई करनी करनी है, और अगर सरकार गलत कर रही है, विपक्ष ने सही बुराई कर दी, तो सरकार को बुरी लग रही है। और आज क्या है, हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया की वजह से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, विद्वान हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। वो बिना वेरीफाई किए हुए जो है, मतलब जो है वो चीजों को बहकाने में लग जाते हैं, बढ़ाने में लग जाते हैं। अब जैसे आपका प्रमाण देख लीजिए आप, कि भाई पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चीज चलेगी जो 5G से कोरोना आया है। अरे मूर्खो, यूरोप में तो 5G, अमेरिका में तो बहुत पहले से है, और उसका सबसे बड़ा मतलब जो है क्लाइमेक्स देखो, कि वो एक जूही चावला जो है, वो जो है अपने जो है उन्होंने रिट कर दी, वो तो 20 लाख का जुर्माना उसको लगा। तो अब इस तरह की अफवाहें फैलाने में जो लोग जो है वो लगे हुए हैं। अब ये मैं तो आपको बताऊं, स्थिति ये है, मैंने अभी फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि सरकारें जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हैं, उन्हें जो 500 हजार रुपया प्राप्त करने वाले जो लोक कलाकार हैं, कठपुतली वाले हैं, गायक हैं, ठीक है, सांगी हैं, रागनी वाले हैं, डांस नर्तक हैं, इन सबको काम पे लगा देना चाहिए। कारण क्या है कि अगस्त तक जो लाइन में लगने वाले हैं ना, वैक्सीन की लाइन में लगे हुए लोग हैं, इनको टीके लग चुके होंगे 15 अगस्त से पहले तक, क्योंकि आमद जो है वो सरकार ने सुनिश्चित कर दी है। और उसके बाद उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो कहते हैं कि साहब सुई लगते मर जाता है, जो भाग जाते हैं गंगा में कूद पड़ते हैं कि इंजेक्शन ना लगा दे, जो कहते हैं साहब हमें नपुंसक जो है वो कर देगी ये वैक्सीन। वो पाकिस्तान में तो और फैली हुई अफवाह, पाकिस्तान में अफवाह है कि अगर वैक्सीन लगवा लोगे तो अमेरिका तुम्हारे दिमाग पे नियंत्रण कर लेगा। तो ऐसे लोगों में अभी से ये उनको, कलाकार जो बेचारे भाई कोरोना काल की वजह से जिनका काम सिर्फ यही था, वो बेचारे जो है भुखमरी की उनको नौबत आई हुई है, सिर्फ जो है वो रोटी ही उनको मिल रही है, और उनको काम मिले, और जो काम 2 2.5 महीने के बाद आपको करना है वो अभी से शुरू कर दिया जाए, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये स्थिति आनी है, तो ये प्रचार प्रसार वो पहले गांव गांव जाके करें, तो उनकी भी रोजी रोटी बने, और जो है कलाकार हैं उन्हें बेचारों का जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जो बहुत कम वाले हैं, और सरकार का जो उद्देश्य है उसमें भी सफल हो, और इससे वैक्सीनेशन हो तो हम भी कोरोना से निजात पाए, ये जी ऐसी कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते युवा साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा साहित्यकारों के लिए संदेश यही है कि
पाने की इच्छा करके मतलब साहित्य ना लिखे वो, ना पढ़े, ना मतलब जो है भाई हमने कुछ पाना है, अपना सृजन है वो करें, और अगर वो उस लेवल का होगा तो उन्हें जरूर जो है मिलेगा। अब मैं एक छोटे से कस्बे का, मैं नारनौल कस्बा ही था, हालांकि जिला मुख्यालय है, कभी से जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे, तब से वो नारनौल जिला मुख्यालय है, लेकिन वो एक कस्बा था, तो हमने छोटी छोटी गोष्ठियों में जाना शुरू किया, लोगों ने पीठ थपथपाई, किसी ने सुझाव दिया, बाहर के इंटरेक्शन में आए और चीज में दम था, तो अपने आप बढ़ते चले गए। तो पाने के लिए ना लिखें, अंदर है तो लिखें। अगर आपके अंदर एक आग जल रही है, आपके अंदर कोई दीप जल रहा है, आपके अंदर कोई परमात्मा की ज्योत है, जल रही है, परमात्मा की ज्योत हो, आग हो, समाज की अंदर जो बुराई हो रही है उसके प्रति, किसी भी स्वरूप में लिखें, आप भाष्य में लिखें, व्यंग में लिखें, चाहे जो है वो गीत में लिखें, चाहे वो भक्ति रस में लिखें, लिखें तब जब मतलब लिखने के लिए ना लिखें। जी, तो मंजीत सिंह जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई बात, कोई घटना या संदेश जो आप देना चाहें। देश तो यही है भैया, जीवन भर मुस्कुराते रहो, दुनिया चाहेगी आपको दुखी करना, दुनिया चाहेगी कि आप खुश क्यों हैं, लेकिन उसको मारो फटकार, और कोई दुख के छींटे आते हैं थोड़े समय के लिए, उसको भी सलाम करना होता, नमस्ते होनी हो, तो ऐसे कई बार ऐसी स्थिति होती है, लेकिन मुस्कुराना न छोड़ें, हंसना ना छोड़ें, जीवन की सफलता का राज यही है, मूल मंत्र यही है, आनंद लें, परमात्मा ने आपको भेजा है, तो दुखी हो वो जिनका धंधा है ये दुख होने का, आपका भी दुखी हो भाई, मुस्कुराइए जी और जी तो आनंद लीजिए, यही कहना है मेरा। सिंह साहब, आपने हमें इतना समय दिया और ढेर सारी बातें की, अपने जीवन के अनुभव साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों की ओर से और स्वयं की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया साहब, नमस्कार, धन्यवाद।